own God shirt. Thank you.
वैसे मैंने आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, मीटिंग का मेस का एमईटी मेस की मेसी मेस की अरे मेडिकल का अनलिमिटेड मेडिकल का अनलिमिटेड स्केल आफ्टर ऑल एंड मीडिया एजेंसी ये छत्ती जो थ्री गिवन अल्फाबेट लेटर और यू वन दिस इज वन सर और इस सॉर्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल MED short form of medical scape is like landscape so pura landscape ko cover kare 21 specialties isliye medscape bana hai India ka short lead kiya hai just like a for landscape hai ye sir unlimited hai to hai it's some like concepts yes sir see abhi yahan bhi aap dekhenge har specialty ke log hain तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेडिकल का तो समझेंगे इनका इधर भी सर इसके सर इसलिए नाम रखा है कि लोग पूछे और फिर हम जवाब दे सके ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सके आप देने में बच्चों को बचाओ बच्चे बने हुए नहीं इसीलिए तो आप बचाओ करें बच्चे बने ये भी क्या तुमने लिख दिया वो कौन जब से शीर्ष तक सर यूनिवर्सल फेडरल सर्विस जिस नाम के डॉक्टर है जिस वोंग टू टॉम है ना वोंग टू टॉम पहले बच्चे को टॉम पे ले जाओगे क्या सर सर गर्भ से शीर्ष तक ले जाएंगे नहीं आई थिंक विमेन का हेल्थ राइट टू देयर ओरिएंटेशन दे 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 यूनिवर्सल इंटेंशन सावधानी क्या रखनी चाहिए कि है तो मैं वैसे तो ऑन मेंट के तो ठीक है जो हमने लिख दिया वो बोलेगा मेरे जैसा आपने जिसको मैं कहीं भी नहीं दोष ढूंढना सर उसके दोष ढूंढने के तभी सुधार होगा सर और दोष ढूंढने शुरुआत से लेकर एंड तक सुरक्षा करना हमारा ये इसका एक मिशन था नॉमिन सेव द गर्ल चाइल्ड यूज करते थे फिर सब ऐसे जो महसूस हुआ है जो मेरी महिला होते हुए जो महसूस हुआ मुझे लगा कि बहुत कहीं तक प्लेट प्लेट में गर्व की सुरक्षा नहीं सारे सफर में हमें स्ट्रगल आती है चाहे वो यूथ में हो चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे वो कोई भी हमारा लाइफ हो हर जगह में ऐसी तो गाइडेंस की और सुरक्षा की बात कर रहा है सर बहुत ज्यादा सोचना नहीं इसके ऊपर सर और टिप्पणी निकलेगी बहुत सोच सोच के हम लोगों ने भी रखा हुआ है बोलिए कंस्टेलेशन सर आपने जिस तरह से राजभवन में रहते लोगों को आपने इंटरव्यू किया बहुत बड़ी प्रेरणा थी लोगों के और देश में किसी जगह पर ऐसा नहीं हुआ आप नॉन स्टॉप करते गए बहुत इंस्पिरेशनल था और अभी वो हमारी ट्रॉफी रिलीज करनी है जिसे हमें देश के किस सर सामने देखिए सर सेंटर एवरीवन लुक सेंटर या सुनीता मैम डॉक्टर यस मैम मैडम 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 हां सर मैडम मैडम लुक या सर यू कैन जस्ट स्प्रेड लिटिल मोर प्लीज डॉक्टर यस मैडम थैंक यू
Thank you, sir. Thank you very much, sir. Is it easy? Yes, sir. Ankita, sir. Dr. Ankita Parshekar, I was the president of All India Women's Health Bank Trust. Sir, my Dr. Deepak Patel is happy with you. Oh. Studies of India. 47,000 members. I'm Dr. Mehra Sheikh. I'm in Ireland. Ireland. सर मैं राजीव खींची हूँ. मैं एक एन एम डायरेक्टर हूँ. सर जब मोदी जी मेरे का आया था तो शो डायरेक्टर मैं था. जब वो फर्स्ट टाइम आए बताओ और जितने भी सर्विस का बोला नाम क्या बोला. राजीव खींची. राजीव खींची. सर पारुल शामला, मीडिया रिलेशंस, पिक्चर एंड क्राफ्ट. नमस्कार, मैं कृष्णा पंकज नरम हूँ. डॉक्टर स्मिता नरम और डॉक्टर पंकज नरम का बेटा. दैट इज अ बिग अवार्ड. एक बोले मेरा बेटा है, आयुर्वेद बुक पढ़ रहा है. जब तुम बड़े होगे फिर अच्छा तो होगे ना, क्योंकि वो कहेंगे मैं पंकज की माता हूँ. सर मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता मकान हूँ. मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और आज यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स के प्रेसिडेंट की रूप में यहाँ आपके साथ. सुनीता जी खाली प्रेसिडेंट्स को बुला दिए क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी वजूद होती है जो हमें हेल्प कर रही है. नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता नरम और मैं चेयरपर्सन हूँ आयुषति चेयर ऑफ क्लिनिक. शायद आपने सुना होगा पूरे विश्व भर में हमारे क्लिनिक से एक्चुअली आयुर्वेदिक यूरोप, अमेरिका, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. मैं हूँ डॉक्टर एम एस साहब, एयर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स. सर मैं डॉक्टर सुनीता बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे बड़ा काम मैं स्टेचू ऑफ यूनिटी और रिसर्च सेंटर लाना चाहती हूँ अपने देश के लिए. इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए. मेरी मुलाकात भी हुई मंसूर भाई से, लेकिन आप और उसको आशीर्वाद देंगे. बहुत सारे काम आपका फोकस एरिया गर्ल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट. इज अ वेरी ब्यूटीफुल
मैं डॉक्टर नीरज दुबे बिहाफ ऑफ डॉक्टर सुनीता नरन को चेयर ऑफ मेडिकल हमारे हिंदी तो अच्छा है, क्या भी अदम ही नहीं है। बच्चों को बचाने, बच्चों को बढ़ाने और उनकी रक्षा के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें सब हमारे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे चिकित्सक, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। और माँ और बच्चे को भगवान के बाद बचाने में सबसे बड़ा स्थान डॉक्टर का होता है। इसलिए क्योंकि संस्था डॉक्टर के द्वारा स्थापित की गई है और सब डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे मोदी जी का जो सपना है कि बच्चे पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, ये जो उन्होंने एक प्रकार का स्लोगन धारा दिया है, तो वो उस काम में मीडियास्केप इंडिया ये निश्चित रूप से मेडस्केप इंडिया ये निश्चित रूप से सफल होगा। और आज हमारे पहले हमारे बच्चों को भगवान माना जाता था। हमारे यहाँ बच्ची जब पैदा होती है तो उसको गौरा कहते हैं, और जब तक वो 9 साल के होते तो उसकी पूजा की जाती है, पांव धोए जाते हैं, तो इसका पवित्र हमारे यहाँ बच्ची को माना जाता है। तो मेडस्केप इंडिया ने बच्चों को बचाने के लिए और बच्चियों को बचाने के लिए ये अभियान चलाया है। मैं इस अभियान के लिए शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सफल हों और हमारे देश के बच्चे, विश्व के बच्चियाँ हमारी स्वस्थ रहें और वो सुखी जीवन व्यतीत करें। ये मेरी शुभकामना।
सर आज 13 साल हुआ कंप्लीट हुआ हमारे कैंपेन का, 13 साल और 10 साल हमारे अवार्ड के लिए, अवार्ड के लिए करती है 10 साल अवार्ड के लिए। जो दूसरा बोलो, दूसरा क्वेश्चन पूछो और दूसरे जने बोलो। सर हम चाहते हैं आप एक बार प्लेज हमारे दर्शकों के लिए बोल दें, सेव द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम वोम टू टो। ये सेव मोड, आई सेव द गर्ल चाइल्ड वोम टू टो। सर सर मैडम डॉक्टर ऋषिकेश या थैंक यू सर थैंक यू या सुनीता मैम यस मैम सर सर थैंक यू या थैंक यू या मैम ओवर हियर मैम थैंक यू थैंक यू मैम मैम प्लीज आ जाइए नेक्स्ट फैमिली यस यस सुनीता मैम वो या डॉक्टर थैंक यू I am Dr. Saraf, head of orthopedics at the Bombay Hospital, specializing in joint replacement. It's a great occasion. Women are the backbone of the human civilization. In our mythology, we say that woman is a Devi. She is the giver of food, giver of human beings, and the looking after of the whole humanity. But when she is wild, she is also Kali, who with her anger can destroy all evil. So both for the destruction of evil and preservation of mankind, you require a woman. Save the woman child from womb to the tomb is a God-given slogan which every human being must respect. Thank you. I am Dr. Kuresh Maskati, past president of the All India Ophthalmological Society, comprising about 20,000 eye surgeons. I am very proud to have been associated with Dr. Sunita Dubey right from the inception with Medscape and the movement to save the girl child. Today it's in its 13th year, and we were very proud to have the trophy for this year awards
unveiled by no lesser person than the Honorable Governor of the state of Maharashtra, who gave us very encouraging words. We all believe in saving the girl child, but hearing it from such a senior person and who was very gung-ho in supporting the movement was very encouraging. I wish Medscape all the very best for the future. I think first of all, congratulations Sunita Dubey. I think 13 years is a long time and you have done this wonderful job of Save the Girl Child, and this year's slogan, Save the Girl Child from Womb to Tomb, really encompasses the entire life cycle of a woman. It is a fantastic thought process because we as women caregivers, as obstetricians and gynecologists, have realized that it is not only in the womb that we have trouble, but women throughout their life are second class citizens. You know, they eat less food because they have to give the family, their health is not a priority because everybody else becomes a priority. So throughout their life cycle, they become second class citizens. And what is important is that if women are taken care of, the future generations will improve. And actually, we are becoming a stunted generation because the women are not being taken care of. So not only it is the women who are affected, but it is even your progeny, your male or female child, which will get affected. So I really applaud this initiative of Medscape India, and I'm really happy to be associated with it. It's an amazing, amazing campaign which is taken by Medscape. So congratulations. And today, the way it is supported by the governor of Maharashtra, I think his positive energy was really something that inspiring us to do more. Thank you. डॉक्टर ऋषिकेश पाई है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और फॉक्सी जो हमारी फेडरेशन है गायनेक सोसाइटीज ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। 2022 में मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा और मेरा मेडस्केप इंडिया और डॉक्टर दुबे के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये और इन्होंने बहुत कुछ काम किया है हेल्थ के, स्वास्थ्य के रीजन में और ये अवार्ड्स भी देते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पिछले 10 बरस से अवार्ड देते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो नया स्लोगन है सेव द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम वूम टू टूम, ये बहुत अच्छा स्लोगन है और इंडिया में नियरली 480 मिलियन, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख, सो 4,800 लाख औरतें हैं और ये हमारी इम्पोर्टेंट नियरली 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो औरतों का है और ये जो पार्ट है पॉपुलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और अभी हमको इनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, इनको ज़्यादा इक्वालिटी देना है ताकि वो तरक्की कर सके और उनकी तरक्की होगी तो देश की भी तरक्की होगी। तो मैं फिर से धन्यवाद चाहता हूँ और आपका, और मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि सेव द गर्ल चाइल्ड वूम टू टूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। थैंक यू। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर द कैंपेन विच वी स्टार्टेड 13 ईयर बैक विद द सेव द गर्ल चाइल्ड इन एजुकेशन फॉर अवेयरनेस फीमेल फेमिसाइड स्किल डेवलपमेंट फॉर वट एवर वर्क वी आर डूइंग अलॉन्ग विद अक्रॉस कंट्री डॉक्टर इज कम्प्लीटिंग 13 ईयर ऑन द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सो वी आर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी द वे वी आर गेटिंग सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम डिफरेंट स्टेट हेल्थ मिनिस्टर CM एंड इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज अमेजिंग एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गवर्नर साहब ऑल्सो फॉर यू नो गिविंग हिज टाइम एंड टेकिंग द प्लेज एंड सपोर्टिंग आर कैंपिंग होल हार्टेडली। What is the plan ahead now? Abhi awards bhi hain and you're going virtual this year. You know, Save the Girl Child 11th ko date bhi hai where you're celebrating. So what all is planned? So currently, of course, it is a virtual. We have various program which is already happening across country in the ground by our doctors and the people who are associated. All the national president, they are taking the pledge. So every association has got a large number of the doctors. So they all are, taking the pledge for the Save the Girl Child. Apart from that, the program, we have a very interesting panel discussion which has got my daughters, my state, seven state is participating in that and their development
their work for the girl child has been going to be spoken ki before when we had started this campaign Save the Girl Child 8 years back, what was the scenario for the girl child ratio and issue that will be discussed. And today, after so many years, after 13 years, where as India we stand for the stronger girl, for the stronger world, that will be discussed on my daughters, my state. And another program, we have a womb to tomb, a journey. Another session, we have a womb to tomb, Save the Girl Child 75 year of freedom. Here definitely is going to be discussed by very eminent people. Even Afghanistan ambassador have joined, various faculty has joined, Women Child Commission has joined, Women Child Minister has joined, and they are going to discuss ki are we free after 75 year of independence. So freedom for the health, freedom for the education, freedom for being the rights, equal gender equality and rights of everything will be discussed on the panel of womb to tomb, Save the Girl Child, Woman Empowerment. So it is from the childhood, from tomb, from the from your womb, आप जब आप पेट में रहते हो उसके बाद आपकी जर्नी को डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक स्टेज पे बच्चों को स्कूल से, हेल्थ से, या मोलेस्टेशन, रेप, या कोई भी चीज़ जो ऐसी इश्यूज है जो एंड तक सीनियर सिटीजन तक रहती है, उसके बारे में डिस्कस होगा. और उसके बारे में किस तरह से हम बड़े स्केल पे लोगों को अवेयर कर सकें, वो एक हमारा बहुत ही सीरियस मुद्दा होगा इस बार के मेडस्केप नेशनल अवार्ड का. और जो मेडस्केप नेशनल अवार्ड है ये इस बार, जैसे नॉर्मली हम लोग 21 कैटेगरीज लेते थे, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ऑल द डॉक्टर्स अक्रॉस कंट्री दे आर वर्किंग अंडर द वी डॉक्टर्स कैंपेन एंड ऑल्सो बाय देयर ओन ऑल्सो वर्किंग अक्रॉस कंट्री. सो वी हैव कट डाउन द अवार्ड दिस टाइम. वी हैव अ मैक्सिमम 8 स्पेशलाइजेशन एंड अपार्ट फ्रॉम वी हैव अ पब्लिक हेल्थ, रूरल हेल्थ, गर्ल चाइल्ड एंड इंटरनेशनल कैटेगरी. वी हैव रिसीव्ड अ लॉट. वी हैव रिसीव्ड द नॉमिनेशन फ्रॉम द USA, ग्रीस. We have from the UK, we have received from various, even Iran, Iraq, we have received from various countries this year award. So this time award will be more of global kind of, because of the COVID-19 we worked across various countries. So a lot of participation has come. So there will be 12 award will be this year. So it will be shorter but definitely impactful this year whole campaign, because totally getting revised and the Save the Girl Child pledge is getting revised, and that's what today we have done with the government. And even the state health minister also have taken this pledge and they are creating awareness on it. So that's a great thing. And not only here, even Dr. Harshvardhan has joined this campaign. Various state the head has participated. In fact the Nitin Gadkari also has been approached for this. We are looking forward for active support from the government and from the people who are there. There is an inauguration also we have in that. We are trying to say people, every segment people have got a role to play, whether it is a doctor, whether it is a social worker or the ministry or the corporate or the spiritual guru. So even in inauguration also we have a very different kind of awareness in inauguration. So I really request all of you to join on our virtual platform, especially on the Zoom, it will be live. So please join us. Today the pledge what we took to Save the Girl Child, womb to tomb. So it means the whole universe, still they are in the universe, they have to be supported and accepted and helped. Not exactly helped, they should be supported what they are doing it. Save the girl child from womb to tomb. Save the girl child from womb to tomb. So let's support all our girl, all our women in the world. Let's make stronger women for the stronger world. Thank you so much. Oh.